चोट कैसे लगी थी और क्या हुआ था, मैं कैसे चलना सीखा दोबारा से, जैसे बच्चा स्टार्ट करता है ठीक उसी तरह मुझे दोबारा चलाया गया, सिखाया गया, तब जाके मैं इतना सही हो पाया हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। रमेश जी के ब्लॉग में तो कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपके चोट लगी है कि आप बचपन से ही ऐसे हो, तो उस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों पहले मैं बिल्कुल सही था आप लोगों की तरह, ना इंट्रोडक्शन दे दूँ आप लोगों को, मेरा नाम रमेश है और मैं आगरा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। परिवार में मैं ही बड़ा हूँ और हम तीन भाई हैं, दो बहन हैं। जब मेरे चोट लगी तब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था, गांव से थोड़ी दूर एक स्कूल है, उस स्कूल में हम 5-6 लड़के पढ़ने जाते थे। शाम को भी हम स्कूल में ही सोते थे क्योंकि हाई स्कूल में थे, तो उस वजह से डबल मेहनत की जरूरत थी हमको। शाम को 12 बजे तक पढ़ते थे और सुबह 5 बजे फिर जग जाते थे, फिर पढ़ने लगते थे। तो एक दिन 4 बजे जग गए थे, जगने के बाद हम गए सीधे अपने यमुना जी पर जाते थे रोजाना रनिंग करने के लिए। तो ओद इतना कोहरा पड़ रहा था क्योंकि सर्दियों का टाइम था, उस वजह से तो आगे एक गड्ढा था, वो मेरे को दिखा नहीं था, उसमें पैर चला गया और मैं सिर के बल उसमें गिर गया, उस वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर मेरे को कामायनी हॉस्पिटल सिकंदरा के पास है उसमें ले जाया गया, जो कि डॉक्टर साहब है आर्स मिश्रा, उन्होंने मेरा इलाज किया, हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर दिया गया। फिर उसके बाद 5 किलो पानी मेरे पैर से लटका दिया गया, और ये आपको ये खाली जगह दिख रही होगी, इस जगह पर बोल्ट कसे हुए थे, यहाँ और यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी दो बोल्ट कसे हुए थे, यूं करके सिर्फ पूरा बंधा हुआ था, बोल्टों से कसा हुआ था, उस वजह से ये खाली जगह हो गई है शरीर सिर में। और ये आपको ये छोटे छोटे चिन्ह दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बोल्ट लगे हुए थे, सिर पूरा हुआ था, रीढ़ की हड्डी टूटी थी मेरी, कहाँ पर, ये गर्दन के पास, यहाँ पर 30 टाके लगे हुए हैं, उस वजह से चल नहीं पाता हूँ। एक महीने तक मैंने अपने शरीर का एक भी अंग तक नहीं हिलाया था, उसके बाद फिर मैंने एक अंगूठा हिलाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे को उम्मीद है सही करने की, तो फिर इलाज चला मेरा 4-5 साल तक, उसके बाद मैं इतना सही हो पाया हूँ। और लेटरिन टॉयलेट वगैरह सब मैं अपने बिस्तर पर ही कर देता था क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता था कब निकल गई, 2-3 दिन मेरी माँ खाना नहीं खाती थी, उस वजह से टेंशन में मेरी माँ ख़त्म हो गई क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं थोड़ा सही हुआ और अभी भी मेरे हाथों की मुट्ठी नहीं खुल पाती है सही से, क्यों बड़े में खुली नहीं खुलती है, अभी भी पूरा शरीर कपता है, कंपन होता है, अभी भी पूरे शरीर में चींटियाँ काटती रहती हैं, ऐसा महसूस होता है मेरे को। और अभी भी मैं चलता हूँ तो आगे कुछ घास फूस गिरा सड़कों पर गिरा होता है तो उसमें पैर उज आता है और मैं गिर जाता हूँ अभी भी, मगर हाँ इतना सही हो गया हूँ मैं कि अपने कपड़े धो लेता हूँ, लेटरिन टॉयलेट वगैरह बिना सहारे के मैं खेत में करके आ जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ बस, और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों यही मेरी रियल कहानी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, और बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, यार मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, तो
सभी को आप सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी करिए यार, मैं भी आगे बढ़ सकूं और लोगों की तरह। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।